इन्वर्टर का सिंगल वायर किस जगह पे ऐड होता है। सबसे पहले आपको स्विच बोर्ड के अंदर चेक कर लेना है कि फेज़ किस साइड में आ रहा है। तो आप देख सकते हैं राइट साइड में फेज़ आ रहा है। आपको इन्वर्टर की चार्जिंग पिन को एंटर करना है, लाइन को चालू करना है। फिर आपको क्या करना है, टेस्टर की मदद से पता करना है किस में फेज़ आ रहा है, किस में न्यूट्रल आ रहा है। जिसमें फेज़ आ रहा है उसके अंदर वायरिंग आएगी। आप क्या करेंगे, पिन को यहाँ पर ट्रैक करेंगे, इसका एक लोकेशन, और आपको पता करना है कि कौन से अंदर फेज़ आ रहा है। तो आप देख सकते हैं इस साइड में हमें फेज़ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे L लिखा हुआ होगा, आपको पता चल जाएगा। इस L के अंदर आपको एक इन्वर्टर का जो सिंगल वायर होता है, जो हमारे घर के अंदर जाता है लोड चलने के लिए, वह वायर आपको L टाइप के हिस्से में ऐड करना है और कुछ इस तरीके से परफॉर्म करेगा ये सॉकेट, सॉरी पिन। ओके, अब यहाँ पर आपको ट्राई कर लेना है। जी हाँ, यहाँ पर फेज़ के अंदर ही ऐड हो रहा है। जी हाँ, ये फेज़ के अंदर ऐड हो रहा है। अब यहाँ पर पिन को कंप्लीट करके आप इसे ऐड कर दें। अब आप कमरे के जितने भी स्विच बोर्ड है उसके अंदर देख सकते हैं कि फेज़ यहाँ पे लाइन आ रही है। अब ये इंस्टॉलेशन होने के लिए बिल्कुल रेडी।